नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का जो हमारा वीडियो है इसके विषय में मैं आपको एक बहुत ख़ास बात बता दूं कि ये वो वीडियो है जिसको YouTube पर डालने की हिम्मत खुद जी न्यूज़ की भी नहीं हुई। जी हाँ, ये वीडियो खास तौर पर ताल ठोके के सभी वीडियोस डाले जाते हैं, वहाँ से इनको प्रकाशित किया जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है, लेकिन ये वीडियो इतना ज़्यादा विवादित था, इतना ज़्यादा असम्मान, इतना ज़्यादा अपमान इसमें हिंदू धर्म का, ये देवी देवताओं का, मंदिरों का किया गया था कि इस वीडियो को जी न्यूज़ ने भी नहीं डाला। लेकिन इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचने बेहद ज़रूरी हैं। इस वीडियो को मैंने 2 दिन तक बहुत खोजा, बहुत परेशान रहा, लेकिन अंततः ये वीडियो मुझे खुद ही बनानी पड़ी, खुद से मैंने इसको रिकॉर्ड किया। आवाज़ में थोड़ी ही दिक्कत परेशानी आ सकती है, लेकिन आप इसको ध्यान से सुने और गौर करें और देखें कि एक मौलाना जिसने विवादित बयान दिया उसके खिलाफ़ कुछ बोलने से पहले, बोले तो बिल्कुल भी नहीं, ये मौलवी जितने भी बैठे हुए हैं इन्होंने एक ने भी उसके खिलाफ़ कुछ नहीं बोला, ये सिर्फ उल्टे हिंदू धर्म पर ही टूट पड़े कि हमारे हिंदू भाई वो देखें कि जिनको हम भाई भाई कह रहे हैं, सेक्युलरिज्म का पजामा पहनकर हम सरेआम निकलते हैं, जो कि ऊपर से नीचे से बाहर से आगे से पीछे से सब ओर से फटा हुआ है, उसको पहनकर निकलते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ती है या हमारी बेइज्जती होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि यदि कोई भाई आज किसी अल्लाह, पैगंबर, ईसा, किसी के भी खिलाफ़ कुछ बोल देता है, चलो ठीक है, उनके खिलाफ़ भी नहीं बोलता, ये भी कह दे कि सारे मुसलमान सुअर का मांस खाते हैं, जितना भी कह दे, तो आज उस व्यक्ति के खिलाफ़ फतवा जारी हो जाएगा, उसकी गर्दन काटने के लिए सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, 51 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का इनाम तो मरे से मरा फटीचर रेडे वाला भी घोषित कर देता है। लेकिन हमारी तरफ से अभी तलक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। वीडियो को देखिए, यदि हम सारे मुसलमानों को एक जैसा कहकर और एक जैसा बताने लगें कि सारे मुसलमान मूर्ति पूजक हैं या सारे के सारे मुसलमान सुअर का मांस खाते हैं, और फिर जाकर के एक व्यक्ति को पकड़ कर बैठ जाएं कि नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना तो खाता था, मोहम्मद अली जिन्ना भी मुसलमान था और वो बिल्कुल खाता था, वो सारे मुसलमान मानते हैं, और उस पर आकर बात टेक दें, तो यही सब कुछ आज हुआ है कि सबको बदनाम किया गया और एक स्थान से किसी को उठाकर बता दिया गया कि देखो ये व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो सभी को जानने योग्य है, चाहे वो आर्य हों या हिंदू हों, वो ये जानने योग्य है कि जब कहा जाता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा है, तो शुरू में तो यही मुसलमान, यही मूल निवासी कहे जाने वाले लोग कहते हैं कि ब्राह्मण 3% है, और जब कहीं बलि प्रथा देखी जाती है तो अधिकतर उसमें से जो ये मूल निवासी कहे जाते हैं, इन्हीं के ही मंदिरों में पाया जाता है, यही आदिवासी, यही ST समाज के लोग, इन्हीं के ही वो लोग जिनको ये कहते हैं कि हम 85% मूल निवासी हैं, वही लोग बलि प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बदनाम तो इनको सिर्फ ब्राह्मण और आर्यों को करना है। इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखें कि कहाँ बलि हो रही है, कहाँ नहीं, और ये जो सड़ा हुआ गोश्त है, मांस है, और उसके अंदर से आंतों में से निकलने वाला जितना भी मल है, ऐसे ऐसे मुसलमानों और ऐसे ऐसे मूल निवासियों, तथा कथित मूल निवासियों के मुंह में ही ठूसना बेहद जरूरी है। अब देखिए ये वीडियो। जी न्यूज ये सवाल पूछ रहा है कि नफरत फैलाने वाले मौलाना की गिरफ्तारी आखिर कब होगी, चर्चा की शुरुआत उससे पहले रिपोर्ट। ऐसा ना हो कि गाय की कुर्बानी के साथ साथ एक और कुर्बानी हो जाए। यही बैठ के बता रहा हूँ आपको, नरेंद्र साहब आए हुए, तवज्जो करें, 2 महीने के बाद बकरीद है, बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी के हवाले से ये शैतान शरारत करेगा। अभी से बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि गाय की कुर्बानी के साथ साथ एक और कुर्बानी हो जाए। जी
चले चर्चा की शुरुआत करते हैं मेरे साथ समित पात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ। माननीय वजीर आजम को ये रिक्वेस्ट करूंगा इन राज्यों में इमीडिएटली प्रतिबंध लगाए गए। इसके अलावा समित पात्रा जी की पार्टी की पूरी बहुमत की पार्टी का पूरा बहुमत है लोकसभा में, एक देश में कानून लाए जाए। आप मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं, सवाल सुनिए आप, मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन आप सवाल सुनिए। मतलब जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक गौ हत्या करना नहीं छोड़ेंगे आप लोग? जब तक सरकार कानून नहीं बनाएगी तब तक गाय की हत्या आप लोग करते रहेंगे? नंबर एक। नंबर दो, आपके मंत्री मंच पर क्या कर रहे थे? उनके मुंह में दही जम गई थी क्या? वहां पर चुपचाप बैठे थे वो, वहां मन से जहर उगला जा रहा है, भड़काया जा रहा है, दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि एक कुर्बानी होगी, एक और कुर्बानी होगी। ये कहा जा रहा है कि बकरी दारी है, गाय की कुर्बानी होगी, साजिशें होंगी, कोई शरारत करेगा। वो भड़का रहे हैं, आपके मंत्री वहां पर मंच पर चुपचाप बैठे हुए, दही जम गई थी उनके मुंह में, सवाल का जवाब नहीं देंगे। इतिहास पढ़ा रहे, इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, इंदिरा गांधी ने 20 राज्यों में किया, मैं जानता हूं आपसे ज्यादा जानकारी है, लेकिन इंदिरा की कांग्रेस और राहुल की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। तहसीन पुनावाला, हर चीज में बचाव ठीक नहीं होता। ताल ठोक के आज कहते कि बयान गलत था, मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, इनके खिलाफ इनको बुक किया जाना चाहिए। ताल ठोक के आपको यह कहने की जरूरत थी मेरे ख्याल से। आप समित पात्रा, देखिए पहली बात मैं आपको बुनियादी बात बता दूं, याद करिए कर्नाटक अभी चुनाव हाल फिलहाल में हुए थे और कर्नाटक के चुनाव में आप आर्काइव में देख सकते हैं, सिद्धरमैया जी जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक के दिग्गज नेता है, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में कर्नाटक में काउ स्लॉटर के खिलाफ कानून बनाए थे, मैं अगर अगली बार मुख्यमंत्री बन के आऊंगा तो मैं काउ स्लॉटर का जो प्रावधान है उसे हटा दूंगा और गाय मारना अत्यंत आसान हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से अगर कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे और सत्यानंद जी जो कि मंत्री है, पाटिल साहब स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इस प्रकार का बयान एक मौलाना ने दिया है तो ही ड्रू द इंस्पिरेशन फ्रॉम सिद्धरमैया, खुद कांग्रेस पार्टी से इंस्पिरेशन लिया है, राहुल गांधी जी के ट्रस्टेड एंड क्लोज। मगर देश को तोड़ने की साजिश की गाय तो काटेंगे ही काटेंगे, किसी और की भी कुर्बानी होगी और कोई देश बड़ा नहीं है, कर्नाटक किसी के बाप का नहीं है, सबसे बड़ा हमारा कौम है और कौम के आधार पर ही देश चलेगा, कौम के आधार पर राज्य चलेगा, ये एक बहुत बहुत घिनौनी षड्यंत्र है और मैं चाहता हूं क्या कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक टीपू सुल्तान का कर्नाटक है, सबसे ले ना बड़ा, ना चीफ मिनिस्टर बड़ा, ना प्राइम मिनिस्टर बड़ा, ना प्रेसिडेंट बड़ा, सबसे बड़ी हमारी कौम है, कर्नाटक टीपू सुल्तान का कर्नाटक है। जब ये सब बातें बोल रहे थे, इनका नाम है बीजापुर में तनवीर पीर हाशमी साहब, मंच पर आपके मंत्री मौजूद थे फहीम बेग साहब, ये क्या जहर उगला जा रहा है फहीम बेग साहब? मौलाना आप गाय की कुर्बानी की बात कर रहे हैं। मेरा सहयोगी लेकर आया, मैंने पूछा सेवैया बहुत स्वाद बनी है, उसने बोला भाई गाय के दूध की सेवैया है, स्वाद तो होगी, मतलब गाय के दूध से सेवैया बन रही है और उन्हीं गाय को काट के खाया जा रहा है। सर क्या फहीम बेग, संविधान जो हमें हक देता है उस पे चलना चाहिए। सर आपको संविधान गाय की कुर्बानी क्या जो देता है क्या उससे चलना चाहिए? आपको समझ नहीं आ रहा बचाव कैसे करो अपने मंत्री का? आपको ये नहीं समझ आ रहा है? आपको ये नहीं समझ आ रहा तनवीर पीर हाशमी का बचाव कैसे करूं मैं? आपकी सरकार ना मामला दर्ज करेगी ना एफआईआर दर्ज करेगी, समझ में आ रहा है? बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप शिवानंद पाटिल को, कांग्रेस के मंत्री आपके लिए जेडीएस के लिए, सुनिए तो सही, पहले जेडीएस में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, ठीक है सर? मैंने आपको पूरा मौका, कर्नाटक में दशहरे के टाइम पे सारे हिंदू जानवर की कुर्बानी देते हैं, गाय की बात कर रहा है, कोई हिंदू जानवरों की बलि नहीं देता है, कुर्बानी दी जाती है, कोरमा पकाया जाता है, गाय की कुर्बानी चढ़ाया जाता है, कोरमा मंदिर मुझे यहाँ पर 10 सेकंड बोलना है। देखिए बच्चे की मदद मंदिर के प्रांगण में, मेरी बात सुन लीजिए, प्रांगण में जानवर की बलि दी जाती है, मेरी बात सुन लीजिए, उसका कोरमा पकाया जाता है, फिर उस मरीज को खिलाया जाता है और फिर जिसकी मन्नत होती है उसे मेरी सुन लीजिए, आप गाय काटेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खिलाफ हूँ, मैं फतवा पहले तो दे दूँ, जस्टिफाई कर रहे हैं आप, ये इनकी बात को बता रहा हूँ, आप ये जानवर का जो भड़क रहे हैं सुन लीजिए, यहाँ समझो आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, और जीतू से भी कहता हूँ, जिस प्रकार की बात इस मौलाना ने कहा है कि हिंदू जो है ये मांस चढ़ाते हैं अपने मंदिर में प्रसाद के रूप में, अरे उड़ीसा में भी होता है, वापस लिया जाए, अरे उड़ीसा में भी होता है, भगवान के लिए अपमान किया है, आतंकवादी, भगवान भगवान
प्रसाद के रूप में मैं इस बात पे बहुत आघात हुआ हूँ। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। आप हिंदू नहीं हो ना? मैं हिंदू नहीं हूँ कहने वाले आप कोई नहीं। आप हिंदू नहीं है, आप झूठे हो। अब मक्का जाता है। जगन्नाथ भगवान हमारे चार धामों में से एक धाम है, तिरुपति में, जगन्नाथ में, वैष्णव देवी में, श्रृंगेर में, कर्नाटक मांस परोसा जाता है, और यहाँ पर कोरमा कोरमा है, कोरमा चलाया जाता है, तेलंगाना में, आंध्र में, कोरमा का तेलंगाना में, आंध्र में, आंध्र में तिरुपति में कोरमा प्रसाद चढ़ता है, कोरमा प्रसाद चढ़ता है, आदमी चलो मेरे साथ प्रसाद चढ़ता है। मैं आपत्ति करता हूँ, जी न्यूज को मुझे इससे मतलब नहीं है, करोड़ों तेलुगु सुन रहे होंगे, तिरुपति में कोरमा प्रसाद चढ़ता है, जगन्नाथ में मांस चढ़ता है, ये कोरमे वाला प्रसाद कौन से मंदिर में खाया आपने, मुझे बताइए, मुझे बताइए ना कौन से मंदिर में खाया के कई सारे आप मंदिर का नाम बताइए, कौन सा मंदिर है बताइए, आप बताइए मंदिर में कोरमे का प्रसाद मिल रहा है, आप बताइए कौन सा मंदिर है, आप बताइए कौन सा मंदिर है, सब शंकराचार्य है, सफुला सापति शंकराचार्य है, सफुला सापति सफुला को शंकराचार्य है जो बताया, अरे मेरा नाम जूझ रहा है,
मुझे एक चीज बताइए, कौन से मंदिर में आपने कोरमा का प्रसाद लिया, मुझे यहाँ बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे तो माफी अपने दोस्तों को कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पर नाम मंगवाइए मंदिर का, अभी के अभी लगातार एक मिनट लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं फहीम बेग साहब जो बात कह रहे हैं क्या वो हिंदुओं को भड़काने के लिए कह रहे हैं, हिंदुओं से नफरत है, मंदिरों से नफरत है, या फिर कोई तथ्यात्मक बात है। नहीं, मैं आपको अब समय नहीं दूंगा, या तो आप मुझे नाम बताएंगे मंदिर का या जगह का नाम बताएंगे या आप माफी मांगेंगे फहीम बेग। पूरी डिबेट में आपका ऑडियो बंद है, तब तक जैसे आप कह देंगे मुझे नाम जगह पता लग गई है मैं आपका ऑडियो ऑन एयर कर दूंगा फहीम बेग, तब तक आपका ऑडियो बंद है। रुकिए आप एक मिनट, सैयद आसिम अखार, सैयद आसिम अखार, हंसने की बात नहीं है फहीम भाई। देखिए मैं किसी ऐसी बात का समर्थन करता हूँ जिसके बारे में मेरे पास पूरी जानकारी ना हो, ठीक, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहस जिस तरह से शुरू हुई थी, मैं फिर कह रहा हूँ पात्रा जी क्यों बचने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। फहीम बेग ने जो कहा है फहीम बेग से बाद में निपट लीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ क्या भारत सरकार अल्लाह के नाम पे ऐसा कह दिया होता तो आप बाद में निपटते या तत्क्षणात निपटते। भगवान के बारे में मांस कह दे, भगवान को मांस परोसा जाता है तो बाद में निपट ले। कोरमे का प्रसाद मिल रहा है मंदिर में, भगवान भगवान कोरमे का प्रसाद खाते तो भगवान को बाद में देखना। अल्लाह के बारे में कुछ कह दिया होता तो अभी गर्दन काटने खुद चाकू उठा के आ जाते। थोड़ा सम्मान तो दूसरे धर्मों का होना चाहिए। भगवान है भगवान, मजाक बना रखा है आप लोगों ने मजाक बना रखा। सही कह रहा था मैं मौलाना कि हमारा कौम बड़ा है, बाकी ये कौन है और इन सब की भी वही फितरत है। ये जो फहीम बेग बैठे हैं और ये बाद में देख लेंगे, कोई सर्च नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 100 करोड़ हिंदू आपके इस कार्यक्रम को देख रहा है। अगर मैंने अगर खुदा ना खास्ता भगवान अल्लाह के बारे में कुछ भी ऊंच नीच कह दी होती गलती से भी, छोड़ते ही मुझे आप मुझे छोड़ते। अरे ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सैफुल्ला साहब गलत बात, सैफुल्ला साहब हैसियत क्या है तुम्हारी, हैसियत क्या है सैफुल्ला साहब, कह रहा हूँ 100 करोड़ हिंदू आपके इस कार्यक्रम को देख रहा है। अगर मैंने अगर खुदा ना खास्ता भगवान अल्लाह के बारे में कुछ भी ऊंच नीच कह दी होती गलती से भी, छोड़ते ही मुझे आप मुझे छोड़ते। अरे ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है तुम्हारी हैसियत क्या है, गर्दन काट देता। एक मिनट सैफुल्ला साहब गलत बात, सैफुल्ला साहब हैसियत क्या है तुम्हारी, हैसियत क्या है सैफुल्ला साहब ऐसे कहने की, सैफुल्ला साहब यू हैव टेकन इंडियन गॉड्स फॉर ग्रांटेड, सैफुल्ला साहब हिंदुइज्म फॉर ग्रांटेड मौलाना अमन संबित पात्रा का नहीं 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है। कौन से मंदिर में कोरमा परोसा जाता है और बचाने की किसको कोशिश की जा रही है, जो गाय की कुर्बानी की बात कर रहा है, किसके पक्ष में दलीलें देने की कोशिश की जा रही है ये सब। में अब ये सर्च कर रहे हैं साहब, सब देख रहे हैं। फुल्ला साहब आप उस लाइन में मत जाइए, आप नहीं, ये शंकराचार्य नहीं है, ये पंडित नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू एक्सपर्ट भी नहीं है। जैसे मैं अल्लाह के बारे में कुछ सैफुल्ला साहब देखिए हम सभी से क्या होता है टिप्पणी करने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। ना हम इस्लाम को लेकर कुछ प्रीच कर सकते हैं, ना पाठ पढ़ा सकते हैं, करते हैं उसी तरह से आप लोग भी से कोई भी ज्ञान नहीं दे सकते। सैफुल्ला साहब राकेश सिन्हा मैं आपके पास आ रहा हूँ, राकेश सिन्हा मैं आपके पास आ रहा हूँ, रखा है सैफुल्ला साहब गिरफ्तार करेंगे ऐसे मौलाना को, ये जो पीर फकीर है आपके इनको गिरफ्तार करेंगे, FIR दर्ज होगी जो गाय की कुर्बानी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए
पहले सुनिए, 1964 का कानून यहाँ मौजूद है कर्नाटक में, किसी को भी दूसरों के भावना को आहत पहुंचाने का हक नहीं है, चाहे वो मौलाना को हो या मैं हो, किसी को भी हिंदुओं की भावना को आहत पहुंचाने का हक नहीं है। भाषा का संयम बना के रखें, आप बैठिए, पर्सनल नहीं होंगे आप वहीं पे, आपको मौका मिला है, अब आप दो मिनट शांत रहिए, एक मिनट। नहीं अमन भाई, आज ये विषय बहुत गंभीर है और हम बिल्कुल बिना चिल्लाए हम लगातार ये ताल ठोक के शो हम लगातार कर रहे हैं, पूरी दुनिया में शो देखा जाता है, इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई पर्सनल अटैक और भाषा का संयम कम से कम ताल ठोक के में हमको बनाकर रखना हो। तो जैसे कि आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है, हिंदुओं की भावनाएं जो हैं वो हैं ही मुसलमानों ईसाइयों के द्वारा आहत करने के लिए, तो वो टूटती रहती हैं। लेकिन अब ये देखिए कि इस बंदे ने सीधे तौर पर कहा कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर हो या तिरुपति धाम हो, वहीं पर मांस कटता है, वहीं पर कोरमा बटता है, और लास्ट में इसने जो दिखाया सारा कुछ झूठ बोलने के बाद, सब हिंदुओं को, सब मंदिरों को कह दिया सारे मंदिरों में होता है, कहने के बाद जो इसने एक एग्ज़ाम्पल दिया, वो एग्ज़ाम्पल दिया चोरा चोरी के पास किसी मंदिर का, जो कभी आज़ादी के समय में किसी क्रांतिकारी को फांसी देने के वक्त कुछ घटना हुई थी और उन लोगों ने वहाँ बकरे की बलि देनी शुरू कर दी थी। अब ये जो मुसलमान हैं ये, और ये वामपंथी बड़े ही चालबाज हैं और हमारे हिंदू इस बात को समझते नहीं हैं, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको कि ये कहते हैं कि तुम यहाँ के मूल निवासी हो और तुम हिंदू नहीं हो, लेकिन जब वो बलि दे रहे हैं, वहाँ किसी देवी की मूर्ति रखी हुई है, तो ये हम लोगों के सामने क्या कहते हैं कि वो हिंदू हैं, और उनके बीच जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे कि तुम मूल निवासी हो। तो भाई मेरे, तर्क से चीज़ों को समझने की कोशिश करो, हिंदुओं को टूटने से बचाओ, क्षेत्रीय कार्य करो, इन लोगों को भी, अपने लोगों को भी समझाओ, और इन मक्कार सुअर एक नंबर के लोगों से इस देश और अपने धर्म को बचाने का कार्य करो। ये वो वीडियो है जिसको जी न्यूज़ ने भी अपने चैनल के ऊपर नहीं डाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, और देखो कि सारे मुल्ले, सारे मौलाना किस तरह सुअर की तरह इकट्ठे होकर के हिंदुओं को, और वहाँ बैठे हुए एक व्यक्ति को, अकेले व्यक्ति को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, कैसे उसके ऊपर झपट रहे हैं, और किस प्रकार से सभी मंदिरों और 100 करोड़ हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र इनके द्वारा रचाया जा रहा है। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।